ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। जब भी टेस्ट कराएं तो कोलेस्ट्रॉल हाई आता है। हमारी आंतों में होता है कि अगर सारी तरफ चर्बी इकट्ठी हो जाए तो खून पास नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, द फिटनेस प्लैनेट में एक नए एपिसोड के साथ। हार्ट डिजीज़ बहुत ही कॉमन है और जिनकी प्रेवलेंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले अगर बात की जाए कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, बैठे बैठे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, जब भी टेस्ट कराएं तो कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, तो अगर इन वजूहात देखी जाए तो इसमें सबसे पहली वजह हमारा हेल्दी वेट नहीं होना है। अगर हम लोग ओबेस होते हैं, हमारे अंदर किसी भी किस्म की मॉर्बिड ओपेसिटी या वाइसेरियल फैट कि हमारे पेट के हिस्से पे चर्बी ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। अगली वजह की बात की जाए तो अगर आप हर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जिसमें रिफाइंड कार्ब, सफ़ेद मैदा और से बनी तमाम अशिया, पिज़्ज़ा, पास्ता, नान, नूडल्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कर देती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस से मुराद हमारे दिल की जो सप्लाई की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है। तो आप अगर देखें तो एक पाइप है, उस पाइप के अंदर अगर चारों तरफ उल्ली लग जाए या कोई फंगल ग्रोथ हो जाए तो उसके अंदर से खून पास नहीं हो पाएगा। या तो इसी तरह हमारी आंतों में होता है कि अगर सारी तरफ चर्बी इकट्ठी हो जाए तो खून पास नहीं होता, जिसकी वजह से दिल को ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई मिलती है और उसके साथ साथ जो है वो अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बैठे बैठे जो है वो हार्ट अटैक और इस तरह की अलामत। उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, कोई कार्डियो नहीं करते, तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम होती जाती है, तो जिसमें माइनर हार्ट अटैक, एंजाइना, इस तरह के मसाइल जो हैं वो देखे जाते हैं। अगर मैं अलामत की बात करूं कि कौन सी ऐसी अलामत होती हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हम लोगों को हार्ट डिजीज़ है या फिर हम लोग प्रोन टू हार्ट डिजीज़ रिस्क फैक्टर पे हैं, तो सबसे पहले अगर आप अपना बायोकेमिकल एनालिसिस कराते हैं, उसमें अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसमें आपकी एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल की तादाद ज़्यादा है, तो इस सूरत में आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर आपको हर वक्त अपने हार्ट में प्रेशर फील होता है, जब आप रात को सोते हैं तो आपको जलन और हार्ट बर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा हर टाइम जब भी आप मस्कुलर मूवमेंट करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ब्लॉक है और नॉर्मल मूवमेंट पे अफेक्ट। उसके अलावा टैकीकार्डिया एक बहुत बड़ी अलामत है कि बैठे बैठे दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, खाना खाते हुए ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का आना। तो अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको हो रही है, दैट मीन कि आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क पे हैं या फिर आपको कोई हार्ट डिजीज़ हो चुकी हुई है। लेकिन घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हल हो सकता है दिल की बीमारियों से बचने का और अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो गई हैं उनको मेंटेन करने का। तो खुराक का जो है वो चूँकि बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी हार्ट डिजीज़ में, तो सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि जब भी दिल का मसला होता है हम कहते हैं कि फैट जो है ना, जितना फैट ग्रुप है इसको अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दे, जबकि हार्ट डिजीज़ को बेहतर करने के लिए हेल्दी फैट रिक्वायर्ड होता है। हमारे पास दो तरह के फैट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है हेल्दी फैट, एक आ जाता है अनहेल्दी फैट। तो हम लोगों ने अनहेल्दी फैट को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, जिसमें शामिल एलडीएल है। अगर मैं इसके सोर्सेज आपको बताती चलूँ, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ठीक है, ये वाली तमाम चीज़ें जो, या फिर खाने को ज़रूरत से ज़्यादा भून के खाना, या उससे क्या होता है कि तेल का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसके अलावा बनस्पति घी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो हम लोगों ने ये वाली सारी चीज़ों को, बैड कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट कर देना है और एचडीएल वाला फ़ैट अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। एचडीएल के अगर सोर्सेज बताती चलूँ
तो जिसमें अंडा आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। उसके अलावा चीनी को अपनी ज़िंदगी में कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी के बजाय आप स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, आपने ऐसी एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि जितनी चीज़ें चे से शुरू होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, ये सब आपने कट कर देनी है। उसके अलावा चीनी तो कम करनी है, उसके साथ साथ नमक की तादाद भी कम कर देनी है, ताकि जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो अल्टीमेटली हमारे अंदर दिल की बीमारियों का चांस जो है वो कम होगा। उसके अलावा हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी हार्ट डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए या फिर दिल के अमराज से बचने के लिए। एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है, तो आप कोशिश करें कि शुरू से ही आप एहतियाती तदाबीर पे फोकस करें, अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज कर लें। अगर आप वनस्पति घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बजाय ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तली हुई चीज़ों के बजाय स्टीम चीज़ों का इस्तेमाल करें। कच्ची फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी जो है वो जितनी आपके जिस्म की ज़रूरत है 8 से 10 ग्लास उसका इस्तेमाल करें। नमक चीनी की तादाद कम कर दें तो आप बआसानी दिल के अमराज से बच सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखें। शुक्रिया।